बेगूसराय में मोटरसाइकिल पर सवार होकर एसपी योगेंद्र कुमार के नेतृत्व में जिले के संवेदनशील इलाकों में किया फ्लैग मार्च। पर्व को लेकर पुलिस पब्लिक रिलेशन को बेहतर बनाने और आम जनों की समस्याओं जानने के लिए एसपी योगेंद्र कुमार ने आज सोमवार को पुलिस लाइन परिसर से मोटरसाइकिल रैली रवाना किया। रैली बारी बारी से जिले के सभी थाना क्षेत्रों के संवेदनशील इलाकों में पहुंचेगी। पुलिस लोगों की समस्याओं को जानेगी और उसे नोट डाउन भी करेगी। इसके बाद उन समस्याओं को एसपी व वरीय पुलिस पदाधिकारी के पास रिपोर्ट किया जाएगा। एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि बेगूसराय पुलिस होली पर्व को लेकर पूरी तरह तैयारी कर ली है। आम जनों तक पुलिस की पहुंच सरल बनाने हेतु बेगूसराय सहित जिले भर में बेगूसराय पुलिस द्वारा एक साथ निर्धारित समय पर मोटरसाइकिल रैली के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। देखिए बेगूसराय एसपी योगेंद्र कुमार ने क्या कुछ कहा इस पूरे रिपोर्ट में। बेगूसराय से अनिकेत सिन्हा की रिपोर्ट, टीम डीएन सिटी लाइव न्यूज बेगूसराय। पुलिस ने अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उसी एक क्रम में आज मोटरसाइकिल के थ्रू एक निकाल रहे हैं। उसमें हमारे जिले में जो संवेदनशील स्थल है वहाँ पे आज मोटरसाइकिल रैली निकाल रहे हैं। इस रैली में आज सभी सदर अनुमंडल के SHO, जो सदर लाइन पुलिस लाइन के हमारे सारे अधिकारी इसमें शामिल हैं, सर्किल इंस्पेक्टर्स हैं और इसमें हमारे सारे जवान शामिल हैं। और इसके अलावा हम लोग एक पैम्पलेट भी बनाया है, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसमें होली अच्छे से मनाएं, शांति से मनाएं, डीजे का प्रयोग ना करें। ये सारे भी सुरक्षा निर्देश हम लोगों से लिए हैं। कुल मिला के इस बाइक रैली का मकसद ये है, जो असामाजिक तत्व हैं उनको एक मैसेज हम देना चाह रहे हैं कि यदि कोई उपद्रव होली में किया तो पुलिस इस समय सड़कों पर घूम रही है, कठोर से कठोर कर रही है। ये रैली सर कहाँ से कहाँ तक चली? ये रैली पुलिस लाइन से अभी शुरू हुई है, ये अभी रजौरा जाएगी मुफस्सिल में, वहाँ से फिर बीरपुर जाएगी,